नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारी स्टडी शुरू करेंगे। दो दिन हो गए, वेलकम भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, मैंने आपको बुक्स और नोटबुक के बारे में भी बता दिया है कैसे आपको वर्क करना है और कौन कौन सी आपकी बुक्स है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। दो बुक है आपकी, नंबर वन पाठ्यपुस्तक की सुनहरी धूप, देन नंबर टू जो हिंदी व्याकरण है वो है स्पर्श। ठीक है, आपकी वन लाइन वाली बुक है, नोटबुक है, टू पेज लीव करके आपको वर्क करना शुरू करना है। आई होप जो कल मैंने आपको वर्क दिया था आपने कर लिया होगा अच्छी राइटिंग में। आज हम हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्ट एक प्रकृति कहती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी कविता है, प्रकृति से रिलेटेड कविता है कि प्रकृति हमें क्या सिखा रही है, प्रकृति हमें क्या कह रही है, क्या सिखा रही है और हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ये कविता पढ़ के आप खुद भी महसूस करेंगे कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, कितना कुछ सिखाती है, लेकिन हम इससे नहीं सीखते हैं, है ना। तो बेटा आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सब सुनेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ही ऊंचे बन जाओ, है ना। पर्वत, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ जो है वो क्या कह रहा है कि शीश उठाकर, शीश मतलब सिर उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, है ना। जिस तरीके से पर्वत इतना ऊंचा उठा हुआ है ना, सबसे ऊपर क्या है हमारी प्रकृति में जो इतनी सारी चीजें हैं उसमें पर्वत क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो पर्वत अपना उदाहरण देकर हमें समझा रहा है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, है ना। गर्व से, शीश उठाने का मतलब यह है कि गर्व से तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर, सागर मतलब समुद्र, समुद्र क्या कह रहा है कि सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। जिस तरीके से समुद्र लहराता है और कितना गहरा होता है, इस तरीके से वो हमें समझा रहा है प्रकृति की तरफ से कि हमें भी हमारे मन में गहराई लानी चाहिए। गहराई का मतलब है कि किसी भी बात को अगर हम सुनते हैं, समझते हैं तो उसे गहराई रखना, गहराई का मतलब ये है कि अंदर तक हमें उसे समझना है, उसे कभी भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, समझ रहे वो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल। ठीक है, तरल तरल मतलब लहर, सागर की जो लहर है वो बार बार उठ उठ कर, गिर गिर कर, लहरा कर हमें क्या कह रही है कि भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अपने मन में क्या भर लो, मीठी मीठी मतलब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मृदुल उमंग मतलब कोमल तरंग, मृदुल उमंग कोमल जो उमंग है वो अपने मन में भर लो, कोमलता लाओ अपने मन में, कठोरता नहीं लानी है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, है ना। धरती, ये भी प्रकृति की देन है, धरती क्या कह रही है, धैर्य न छोड़ो, धैर्य मतलब धीरज, है ना, धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सिर पर भार। क्या कह रही है कि अगर हमारे सर पर कितना भी भार हो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से धरती ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा है ना, इस धरती पे हम कितने लोग रहते हैं, कितनी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, हम मानव हैं और पशु पक्षी हैं, कितनी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन फिर भी धरती कभी अपना धैर्य छोड़ती है नहीं, वो हम सबका जो बोझ सहन कर रही है। कभी ऐसा हुआ है कि धरती ने ऐसा कहा है कि तुम सब मेरे ऊपर चल रहे हो, मैं नहीं सहन कर सकती, का कभी वो फट गई है, ऐसा कभी हुआ है कि वो यहाँ से
गिरती है, ओले भी गिरते हैं, बारिश भी गिरती है, लेकिन धरती अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ती है। तो वो हमें समझा रही है कि चाहे सिर पर कितना भी भार हो, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो आपके लिए तो यही है कि चाहे आपके ऊपर पढ़ाई का कितना भी बर्डन हो, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, है ना। नभ मतलब कि आकाश, नभ मतलब आकाश का कहना है कि इतना फैलो, जितना आकाश फैला हुआ है पूरा, इतना फैलो कि ढक लो तुम सारा संसार, मतलब दुनिया, पूरी दुनिया को ढक लो, जिस तरीके से आकाश ने हमारी दुनिया को ढका हुआ है ना। हमारे ऊपर कितना बड़ा आकाश है, हम कहीं भी जाएंगे हमें आकाश जरूर दिखाई देगा, उसका कहीं पे भी कोई एंड नहीं है। तो इतना वो फैला हुआ है कि कहीं भी चाहे हम यहाँ है, चाहे हम कहीं विदेश में चले जाए, कहीं बाहर चले जाए, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले जाए, लेकिन नभ हमें सब जगह दिखाई देगा। आकाश इतना फैला हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, है ना। तो नभ क्या कह रहा है कि इतना फैलो, अपने ध्यान को इतना बढ़ाओ कि तुम सारा संसार ढक लो, मतलब सारे संसार की जो ज्ञान है वो अपने अंदर तुम संभालो, ये नभ कहना चाह रहा है। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं इस कविता को रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे वो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार, नभ कहता ये फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से कविता समझ आ गई होगी। प्रकृति हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इतना फैलना चाहिए, हमारे ध्यान को इतना बढ़ाना चाहिए कि जैसे कि पूरा संसार है, जैसे कि आकाश है ना। अब बेटा इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं, कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिनका अर्थ भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पर्वत का, पहाड़, सागर का, समुद्र, मृदुल का, कोमल, नभ का, आकाश, शीश का, सिर, तरंग का, लहर, धैर्य मतलब धीरज, संसार मतलब दुनिया। ठीक है, ये इसके कठिन शब्द है। आपको एक बार फिर इस कविता को अच्छे से रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, कठिन शब्द को आप समझेंगे कि किसका क्या अर्थ है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।